हम एक एग्जांपल आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में कि पेरिमीटर कैसे हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल फाइंड द पेरिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, क्लियर? हियर ध्यान से देखेंगे आप, एक आपको फिगर बनाया गया है रेक्टेंगल, क्लियर है? ये जो 10 लिखा हुआ है ये लेंथ है, और यहां पर जो 10 सेंटीमीटर लिखा है ये भी लेंथ है। यहां पे देखिए हमने आपको क्या बोला था कि जो लेंथ लॉन्गर साइड होगा वो क्या होगा, लेंथ होगा, और जो स्मॉलर साइड होगा या शॉर्टर साइड जो होगा, दिख रहा है ना शॉर्टर साइड, इसको हमने ऊपर लिख दिया होगा, इसको ब्रेथ बोलेंगे। यहां पे भी शॉर्टर साइड लिखा है, यानी शॉर्टर साइड ये होगा छोटा सा, ये छोटा वाला साइड, इसको क्या बोलेंगे ब्रेथ। इन द गिवन रेक्टेंगल, इन द गिवन रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल दिया है इसको देखिए ध्यान से, ए बी इक्वल टू कितना है सी डी, यानी ए बी किसके बराबर है सी डी के बराबर, तो ए बी यहाँ लिखा हुआ है और सी और डी यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट है, क्यों? तो इसका भी कितना सेंटीमीटर है, इसका भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है लॉन्गर साइड, क्लियर है ना, लॉन्गर साइड है, ये 10 सेंटीमीटर के और ये भी कितने मीटर के हैं 10 सेंटीमीटर, क्लियर? इसको हमने लेंथ यहाँ दिख रहा है, लेंथ लिखा है इक्वल टू लेंथ इक्वल टू है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल, इसकी इक्वल टू कितना दिया हुआ है ध्यान दीजिए आप 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, क्लियर? ए सी इक्वल टू कितना बी डी, ए और सी ये दिख रहा है आपको, ए और सी यहाँ पे है, ए और सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है देखिएगा यहाँ पे बी और डी के बराबर दिया हुआ, यानी ए और सी इक्वल है किसके बी और डी के बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए ए और सी इक्वल टू किसके बी और डी इक्वल टू ब्रेथ, बी आर ए टी टी एस लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ब्रेथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा शॉर्टर साइड है, तो शॉर्टर साइड को हम क्या किससे डिनोट करेंगे स्मॉल डी से, क्लियर है? इससे कितना मेजरमेंट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्लियर है? कोई डाउट? अब आते हैं हम लोग देयरफॉर द पेरिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अब हम क्या करते हैं कि जो जो रेक्टेंगल दिया हुआ है उसका पैरामीटर फाइंड करते हैं, पैरामीटर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपके लिए अभी कैसे आप बना सकते हैं, ए बी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस फिर दूसरा हम नॉर्मल साइड को रखते हैं सी डी प्लस सी डी प्लस अब शॉर्टर साइड में रखते हैं ब्रेथ वाले साइड में, तो ए सी फिर प्लस आप इसको लिख सकते हैं बी और डी, ये कितने मेजरमेंट का है 5, तो इसको भी आप लिख सकते हैं बी और डी, तो आप इसके ए बी की जगह पे कितना लिख सकते हैं ध्यान दीजिए ए बी की जगह पे कितना लिख सकते हैं आप 10 सेंटीमीटर, आप लिखिए 10 सेंटीमीटर प्लस सी और डी जो लॉन्गर साइड से क्या लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, क्लियर है? प्लस एसी कितना दिया हुआ है ए और सी 5 सेंटीमीटर का, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर प्लस बी और डी कितने सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं इसको 5 सेंटीमीटर का, क्लियर? अब इसको आप ऐड करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए 10 और 10 20 हो गया, और फिर 5 और 5 10 हो गया, यानी 20 सेंटीमीटर और प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको हमने क्लास में बताया था 2 इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, 2 इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू सॉरी यहाँ लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, गलती से हो गया, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको देखते हैं हम कि जो 2 है ना बाहर ये लेंथ के लिए दिया हुआ है, कितना 10 आप लिखिए लेंथ के, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 20 हमारा लेंथ यहाँ दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ ब्रेथ दिया हुआ है प्लस 5 प्लस 5, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान दीजिए, इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू 20 प्लस यहाँ सेंटीमीटर आप लिख दीजिए, अब इसको आप फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 5 ध्यान दीजिएगा फिर कितना हो जाएगा 10, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए सेंटीमीटर कर दीजिए इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, आप इस तरह से भी बना सकते हैं पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी
आप इसको भी बना सकते हैं, यानी टोटल मेजरमेंट करके, यानी लेंथ को और ब्रेथ को इन सबको एक साथ ऐड करके भी बना सकते हैं 30 सेंटीमीटर, और आप इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं 2 × L + B सेंटीमीटर। क्लियर, थैंक यू। अब आइए हम एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, किसका स्क्वायर का। देखो अब फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर, यहां एक फिगर बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, उसमें सबका मेजरमेंट करके लिखा गया है 9 सेंटीमीटर। AB बराबर है किसके, AC के, और CD बराबर है किसके, DB के। ध्यान दीजिएगा यहां पे लिखा है AB प्लस AC प्लस CD प्लस DB, AB प्लस AC प्लस CD प्लस DB, यहां पे सबका मेजरमेंट 9 सेंटीमीटर, AB 9, AC 9, CD 9 और DB 9। क्लियर, टोटल पैरामीटर कितना आया 36 सेंटीमीटर। अब आपको फॉर्मूला से बनाते हैं, ऐसे हम नॉर्मली ऐड करके बनाए थे सबको, अब नॉर्मली हम इसको क्या फॉर्मूला से बना बता देते हैं। 4 × sin क्या होगा, 4 × sin, तो एक साइड कितना है सबका मेजर, देखिए सेम साइड ही है सबका 9, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं 4 × 1 साइड कितने दिया है 9 सेंटीमीटर, आप इसको टोटल मल्टीप्लाई करके कितना लिख सकते हैं 36 सेंटीमीटर। क्लियर, थैंक यू।